आज मैं सवाल पूछता हूं, चैलेंज के साथ सवाल पूछता हूं, अगर तुम में हिम्मत है रूबी का लियाकत, अगर तुम में हिम्मत है दीपक चौरसिया, तुम में हिम्मत है सुधीर चौधरी, अगर तुम में हिम्मत है रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी, एक भारत का नागरिक सवाल पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है। ट्रंप से सवाल पूछोगे? ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने भारत को धमकी दी है, ये धमकी हमारे सीने पर वार कर रही है, हमें ललकार रही है। वो धमकी जो प्रधानमंत्री जी का दोस्त, जिसके लिए 50,000 करोड़ लोग बोले कि कितने का कार्यक्रम किया गया था, कितने का कार्यक्रम किया गया था, 50,000 करोड़ का कार्यक्रम किया गया था गुजरात के अंदर। उससे पहले हाउडी मोदी किया गया, उसके बाद नमस्ते ट्रंप किया गया, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में पता चला गरीबों की झोपड़ी को ढकने के लिए, छिपाने के लिए भारत सरकार ने दीवार खड़ी कर दी थी। आज जो दीवार खड़ी की थी जिसके लिए, वो आज हमें ललकार रहा है, आज हमारी आंख में आग डाल के धमकी दे रहा है, प्रधानमंत्री जी भारत के नागरिक आग बबूला है। आज हमारे दिलों में गुस्सा है कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे भारत को ललकारे और हमें धमकी दे कि तुम्हें दवाई देना पड़ेगा। ये हम मानवता के ही तैसी हैं। हम हमेशा इंसानियत को बचाने के लिए भारत आगे आया है, बिल्कुल हमें एतराज नहीं कि हम इंसानियत बचाएंगे, लेकिन अगर हमें धमकी देगा, अगर हमें धमकी देगा तो हमारे मुंह में भी जबान है, ट्रंप सुन ले। डोनाल्ड टक, ए पेट्रोल पंप है ये, डोनाल्ड ट्रंप है क्या है सुन ले, ए सनकी बादशाह सुन ले, तेरे इस गलती का नतीजा है अमेरिका के 3.5 लाख लोग, अमेरिका के 3.5 लाख लोग अगर कोरोना की चपेट में आए हैं, उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप की वो नाकामी है। हम CNN वाले नहीं हैं जो तुझसे डर के बात करेंगे, हम भारत के राष्ट्रवादी हैं, हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया है, हमारे इतिहास को पढ़ ले डोनाल्ड ट्रंप, और अगर अंग्रेजी में भी सुनना चाह रहा है तो हम अंग्रेजी में भी तुझे जवाब देंगे। एक वीडियो बनाया है मैंने डोनाल्ड ट्रंप को, ट्विटर पर टैग करके वो ट्वीट करूंगा और कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रक, ये डोनाल्ड डक क्या है पेट्रोल पंप, भारत की मीडिया डरती होगी, रूबी का लियाकत डरती होंगी, सुधीर चौधरी डरते होंगे, अर्णब गोस्वामी डरते होंगे, लेकिन भारत की 138 करोड़ जनता जो भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा, जो भारत को धमकी देगा, उसको जवाब देने की ताकत हिम्मत भारत की 138 करोड़ जनता रखती है। एक तो दवाई भीख में मांग रहा है, हम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, फिर तू धमकी दे रहा है, अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, 138 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, 56 इंच का सीना दिखा करके इसका मुकाबला करो, जवाब दो कि हम तुझे दवाई दबाव में नहीं दे रहे, हम मानव सेवा के लिए दे रहे हैं, और अगर धमकी देगा तो फिर उस दवाई को रोकना भी जानते हैं। हम तो जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, भारत तो तमाम दुनिया के लिए एक पैगाम देना चाहता है कि अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो करें। लेकिन मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि दूसरों की मदद के लिए अपने गरीबों को मरने के लिए न छोड़ देना, आप दूसरों की मदद के लिए अपने गरीबों को मरने के लिए न छोड़ देना। और अगर शादाब चौहान अगर आज भारत सरकार का प्रवक्ता होता, अगर शादाब चौहान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रवक्ता होता या देश का वजीर आजम होता, तो यह ना देखता कि वो सुपर पावर कितना ताकतवर है, यह ना देखता कि अमेरिका से क्या फायदा क्या नुकसान, वो कहता कि हमें कारोबार देता है, हमें फायदे देता है, रेटिलिएट करेगा, जवाब दे देगा, धमकी देगा, तो शादाब चौहान आंख में आग डालकर कहता कि सुन ले ट्रंप, जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में भारत जवाब देगा। भारत दुनिया में किसी की धमकी सुनने के लिए नहीं है, अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देगा। और अगर हम तुझे दवाई दे रहे हैं, तेरे नागरिकों की रक्षा के लिए दे रहे हैं, तू नाकाम रहा,
अपने यहां कोरोना को कंट्रोल करने में तेरे यहां 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हम उनके प्रति संवेदना है इसलिए दवाई दे रहे हैं, हम तुझसे डर कर दवाई नहीं दे रहे। अगर तू चाहता है कि हमसे दवाई जबरदस्ती ले लेगा तो नहीं।